देश में कोरोना के मामले तेज गति से बढ़ने लगे हैं। महाराष्ट्र में भी कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटों में 4,205 नए मामले सामने आए। शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे ने एक दिन पहले दिए गए अपने बयान से पलटते हुए शुक्रवार को कहा कि कोई भी राष्ट्रीय दल उनके संपर्क में नहीं है। बागी विधायकों से सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर आपकी नज़र में मैं बेकार हूं, तो मैं इसी वक्त पार्टी छोड़ने को तैयार हूं। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2002 में हुए गुजरात दंगों पर पीएम मोदी के खिलाफ याचिका खारिज। आपको बता दें कि उन्हें विवादों में फंसाने की साजिश पिछले 20 साल से लगातार की जा रही थी। कर्नाटका हाईकोर्ट ने SC/ST एक्ट पर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि 2 साल पुराने मामले को रद्द किया और जब तक पब्लिक प्लेस में दुर्व्यवहार नहीं किया जाता तब तक SC/ST एक्ट लागू नहीं होगा। केरल के वायनाड में SFI एक्टिविस्ट में राहुल गांधी के ऑफिस में तोड़फोड़ की गई। राहुल वायनाड से सांसद है। SFI रूलिंग पार्टी CPI की स्टूडेंट विंग है। SFI के सदस्य जंगलों के आसपास बफर जोन बनाने के मुद्दे पर राहुल गांधी की चुप्पी से नाराज है। यूपी की मैनपुरी में खेत में टीले की खुदाई करते वक्त पुराने हथियारों का बक्सा मिला है। इसमें तीर, कमान, कटारी और छुरियां शामिल हैं। इनकी लंबाई 4 फीट तक है। इससे लग रहा है कि यह लड़ाई में इस्तेमाल किए जाते होंगे। हथियार 4000 साल पुराने यानी ताम्र पाषाण युग के बताए जा रहे हैं। एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर उनका बेटा लोकसभा सांसद है तो क्या मेरे बेटे आदित्य ठाकरे को राजनीतिक रूप से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे कल्याण से लोकसभा सांसद हैं, जबकि मुख्यमंत्री के बेटे आदित्य ठाकरे राज्य के कैबिनेट मंत्री हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अदालती फैसले को गलत करार दिया है। उन्होंने गर्भपात के लिए संवैधानिक सुरक्षा की वकालत करने वालों से अपील की है कि केवल शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करें। मध्य प्रदेश ने मजबूती के साथ रणजी ट्रॉफी जीतने की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। मध्य प्रदेश के बल्लेबाज ने तीसरे दिन धैर्य से खेलते हुए 245 रन बनाए।